डे 7 और पार्ट 7 ऑफ अवर मैथ्स लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न और स्टडी हाउ टू सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज यस मिक्स्ड प्रॉब्लम। आज का सीखना आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, मिक्स्ड प्रॉब्लम मतलब क्या? यस, आपको ऐसा एग्जाम्पल देंगे या फिर ऐसा वर्ड प्रॉब्लम होगा जिसमें आपको एडिशन भी परफॉर्म करना है और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अप योर टेक्स्ट बुक, टेक अप पेज नंबर यस 13। पेज नंबर 13 पर क्या है? मिक्स्ड प्रॉब्लम, मिक्स्ड एग्जांपल टॉपिक है उसका। हम एग्जांपल 1 यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स देखो, एग्जांपल 1 क्या है? यस, 4,13,758 प्लस 2,09,542 माइनस 5,16,304। देखो स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी फिगर्स है, पहले आपको क्या करना है? यस, एडिशन परफॉर्म करना है, देन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। कैसे करोगे? पहले इन दोनों का एडिशन करोगे, जो भी आंसर आएगा वो इसमें से क्या हो जाएगा? यस, माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, देखो क्या है यहाँ पे, यस, आपको हमेशा ध्यान में रखना है मिक्स प्रॉब्लम में जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा आपको सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? यस, आपको पहले एडिशन ही करना है। सो देखो, पहले हम दोनों इस नंबर को ऐड करेंगे, 8 प्लस 3 इज 10, 1 कैरी, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी, 7 प्लस 5 प्लस 1 इज 6, 7 प्लस 6 इज 13, 1 कैरी, 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 0 इज 2 एंड 4 प्लस 2 इज 6। ये आ गया आपको पूरा आंसर। सो स्टूडेंट देखो, अभी इन दोनों का एडिशन का आंसर ये है, इसमें से आपको ये क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 5,16,304। देखो स्टूडेंट्स, बराबर, तो 10 में से 4 गए, ये 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 0 गए, 9, बराबर। अब 3, देखो स्टूडेंट्स, 3 में से 3 गए तो 0 रहेगा, लेकिन आपने क्या किया था या फिर हमने क्या किया था, इसे एक ये दिया था, इसको एक इसने बोरो किया था ना इससे, तो इससे क्या हो जाएगा कम। सो 12 में से 2 हुआ, 2 में से 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो वापस हमें यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा, 12 में से 3 गए 9। अब 6 का वापस क्या हो जाएगा 2, 2 में से वापस 12, 12 में से 6, 2 माइनस 1 इज 1, 5 माइनस 1। सो आवर आंसर इज यस 1,16,996। ये होगा आपका पूरा मिक्स्ड प्रॉब्लम, पहले हमने एडिशन किया फिर सब्ट्रैक्शन किया, हमें ये फाइनल आंसर ये मिला। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम भी करने हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम सेट 13। टर्न द पेज, यस, प्रॉब्लम सेट 13। प्रॉब्लम सेट 13 में क्या है? यस, वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करके दे रही हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्या है प्रॉब्लम? यस, सेकंड प्रॉब्लम है आपका, अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 37,04,926, इट इंक्लूड्स 11,24,969 मेन एंड 10,96,478 वुमन, वॉट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। देखो स्टूडेंट्स, क्या दिया है यहाँ पे, एक सिटी दी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन आपको दी है, बराबर। अब टोटल पॉपुलेशन दी है, उसमें से आपको नंबर ऑफ मेन्स दिए है, नंबर ऑफ वुमन्स दिए है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हो गया आपके क्वेश्चन का मीनिंग। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, वो भी ओरली सॉल्व करेंगे, फिर हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। आपको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिए करेक्ट, वो है 37,04,926। अब टोटल पॉपुलेशन में से आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, अगर आप नंबर ऑफ मैन और वुमन को ऐड करोगे, बराबर, उसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से जो भी आंसर आएगा उसको आप निकाल लोगे, तो जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, वो आपके क्या आ जाएंगे, यस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब आपको यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन दी है वो, लेकिन सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमन उनकी टोटल करनी पड़ेगी। उनकी टोटल करके अगर आप अगर टोटल पॉपुलेशन में निकालोगे तो बचे हुए क्या होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में हमारे 3 पार्ट्स आ रहे हैं, कौन से, यस, मेन्स, वुमन्स और चिल्ड्रन। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मेन्स लिखा है,
बराबर, फिर नंबर ऑफ वुमन लिखा है और फिर बाद में टोटल लिखा है, तो नंबर ऑफ मेन कितने हैं, यस 11,24,069 नंबर ऑफ वुमन है, 10,96,478। सो लेट्स ऐड हियर, 9 + 9 + 8 = 17, 1 कैरी, 7, 6 + 1 = 7, 7 + 7 = 14, also 1 carry, 4 + 1 = 5, 6 + 4 = 10, 1 carry, 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 12, 1 carry, 1 + 1 = 2, and here also 1 + 1 = 2. आपका आंसर है 22,20,547। ये हो गया आपकी मेन और वुमन की, यस टोटल हो गए। अब इस टोटल में से आपको टोटल पॉपुलेशन में से इस टोटल को क्या करना है, माइनस करना है, फिर जो भी रिमेनिंग रहेंगे वो आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमेशा आप रखना है बड़े नंबर में से छोटा नंबर, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ही, इसका मतलब वो ऑब्वियसली बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर में से आपको क्या करना है, छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या दिया है टोटल पॉपुलेशन, यस 37,04,000 या फिर लिखेंगे 37,04,926, एक बार चेक कर लेंगे, 37,04,926। इसमें से आपको ये वाला जो आंसर है आपका वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि नंबर ऑफ मैन और वुमन से। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेंगे तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मिलेगी। अब 6, 6 में से 7 इज नॉट पॉसिबल, तो आपको क्या हो जाएगा, यस यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में से 7 गए, यस 9। देखो स्टूडेंट, आपको प्रॉब्लम ये क्या है, मैं कैरी ऊपर इसलिए राइट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, अगर आप माइंड में कैरी रख सकते हो तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है बराबर, अब 2 स्टूडेंट्स 2 में से यहाँ पे क्या है, यस 2 है, 2 का 2 में से देखो 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 में से 4 क्या है, 1 - 4 इज नॉट पॉसिबल, सो 1 में से क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 होगा, 11 में से 4 गए 7 बराबर, 9 का वापस यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 5 गए 3 करेक्ट, अब 4 - 0 = 4 यहाँ पे वापस 10, 10 - 2 = 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 - 6 - 2 = 4 3 - 2 = 1। तो क्या है स्टूडेंट्स आपका, यस 14,64,000 साइड में रखिए, वो आपको पूछा है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, यस
पहले वैसे ही हम क्या करके एडिशन करके पहले आपको क्या एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस और एजुकेशन एक्सपेंसेस को क्या करना है, एडिशन करना है, उसमें से क्या करना है फिर ये फिर टोटल अमाउंट में से उसको माइनस करोगे, जितना भी बचेगा वो आ गया आपका कैंटीन का एक्सपेंसेस। देखो पहले लिखा है मेडिकल एक्सपेंसेस कितने है, वो 12,37,865। एजुकेशन एक्सपेंसेस है जो कि एजुकेशन पर एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, बराबर, जो कि एजुकेशन पर इतना खर्चा हो रहा है, मेडिकल पर इतना खर्चा हो रहा है, तो एजुकेशन पर कितना खर्चा हो रहा है, यस 8,42,370। सो स्टूडेंट्स लेट्स आइडिया, 5 + 7 = 12, 1 कैरी, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 3 = 11, 1 कैरी, 7 + 1 = 8, 8 + 2 = 10, here also 1 carry, so 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 2 = 10, 1 carry, 1 + 1 = 2। तो स्टूडेंट्स देखो क्या है आपका आंसर, 20,80,182 ये आ गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स देखो आपको क्या करना है आगे जाके, हाँ आपको ये एक अमाउंट मिली जो इन दोनों का खर्चा मिला करे, अब आपको पूरे टोटल फंड में से क्या करना है, इसको क्या करना है, माइनस करें। टोटल फंड आपको दिया है 25,40,600, ये आपको पूरा फंड दिया, पूरे फंड में से आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है। मैंने पहले भी बोला था कि बड़े नंबर में से आपको क्या करना है, छोटा माइनस करना है, 2,080,182, तो आपको इसे क्या करना है, यस माइनस करना है। मुझे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे नीचे लिखा है, आपको नोटबुक में पूरी एक ही लाइन में स्टेटमेंट को लिखना है। देखो 10 में से 2 गए 8, बराबर ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गए 1। अब 6 में से 6 तो नहीं होगा क्योंकि इसे हमने बोरो दिया था, तो 6 में से 5, 5 में से 1 गए 4, 0 माइनस 0, 4 में से यस 4 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, सो 14 में से 8 गए 6, 5 का हो जाएगा 4, 4 माइनस 0 इज 4, 2 माइनस 2 इज 0, तो क्या है आपका आंसर, यस 4,60,418 आ गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये है आपका एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल एंड एजुकेशन, सॉरी ये है आपका बैलेंस, ये कौन सा है, ये एक्चुअली यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, ये वाला मुझे बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैंने ऐसे राइट अप किया, आपको नोटबुक में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ राइट अप करना है। ये आपका बैलेंस फंड है, बैलेंस फंड किसके लिए, क्या पूछा था उन्होंने, यस कैंटीन के लिए, तो 10 क्या लिखोगे आप, 10 4,60,418 क्या पूछा था उन्होंने, हाउ मच मनी वॉज पुट असाइड फॉर द कैंटीन, 10 4,60,480 पुट असाइड फॉर द कैंटीन, या फिर ऐसे लिख सकते 10 rupees 4,60,418 was put aside for canteen, है ना, ये हो गया आपका फाइनल स्टेटमेंट। इसी तरह आपको जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है जो कि 1 नंबर का है, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का, वो आपको यस बुक पे सॉल्व करना है, इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है। सो स्टूडेंट्स लेट्स एंड अवर सेशन हियर, इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अवर न्यू चैप्टर, थैंक यू।